सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए सफलता की ओर, आज जो है हम लोग जैसा कि हमने बताया था कि जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको मैं विस्तार से बताऊँगा दोस्तों। तो जैसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे संघ परिच्छेद हो गया आपका, या फिर जो है आपका प्रायिकता का हो गया, या फिर जो आपका त्रिभुज वाला चैप्टर है उसका हो गया, तो तीन चार चैप्टर हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और नाम है उसका संघ परिच्छेद। दोस्तों देखिए, चूँकि एयरफोर्स स्पेशल में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक, एयरफोर्स स्पेशल में। तो एयरफोर्स स्पेशल में इसको क्या क्यों देखेंगे दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अभी 10 बजे वाली में आपने देखा होगा। अगर 10 बजे वाली क्लास नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा दोस्तों। उसमें तीन से चार क्वेश्चन थे जो कि इसी एक चैप्टर से थे दोस्तों। इसमें आपको क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें आपको जो है वृत्त मिलेगा, इसमें आपको दीर्घ वृत्त मिलेगा, इसमें आपको परवलय मिलेगा, इसमें आपको अतिपरवलय मिलेगा, ठीक। ये चारों टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे दोस्तों। तो इन चारों टॉपिक के बारे में हम विस्तार से जो चर्चा करेंगे वो आज की वीडियो में करेंगे दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रुके रहिएगा, देखिएगा, उसके बाद अगर अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पुराने हैं तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किए ही होंगे, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं जो कि आपका है वृत्त। तो दोस्तों अगर हम इसके समीकरण की बात करें तो चूंकि आप जानते होंगे कि बिंदुओं का बिंदुपथ एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जो किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर होता है वही आपकी क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। इसकी त्रिज्या r है। अगर इसका केंद्र यच कामा के माना जाए दोस्तों, अगर इस वृत्त का केंद्र यच कामा के हो और त्रिज्या r हो तो जो वृत्त का समीकरण होता है, यानी कि यदि पहला सूत्र आप समझिएगा, विस्तृत इसके बारे में जानकारी देखिएगा, यदि वृत्त का केंद्र यच कामा के हो और त्रिज्या आर हो, तब मतलब अगर केंद्र यच कामा के हो और त्रिज्या आर हो तो वृत्त का समीकरण जो होता है दोस्तों, वृत्त का समीकरण जो होता है वो होता है यक्स माइनस यच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। दोस्तों किसी को कहीं समस्या हो तो बताइएगा, ये सूत्र है आपका, इसको आप लिखते चलिएगा दोस्तों। पहला सूत्र तो ये है कि वृत्त का समीकरण बराबर यक्स माइनस यच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। मतलब अगर आपको वृत्त का केंद्र दे दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या दे दी जाए और कह दी जाए कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए दोस्तों, तो इसी सूत्र में मान रख के हम समीकरण निकाल लेते हैं। दूसरा चीज देखिएगा दोस्तों, यदि केंद्र मूल बिंदु हो तो दोस्तों मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0। मतलब अगर केंद्र 0,0 हो और त्रिज्या आर हो तो उस वृत्त का जो समीकरण होता है दोस्तों, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो दो चीज हमने बताया, वृत्त के समीकरण में एक सूत्र तो आपका ये है दोस्तों और एक सूत्र आपका ये है, ठीक। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो तुरंत आप लोग बताइएगा, एक बार मैं देख लेता हूं कि क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, क्लियर दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये तो था आपका जब केंद्र मूल बिंदु पर हो और ये था वृत्त का समीकरण। एक सूत्र और है दोस्तों,
दोस्तों, जो कि है वृत्त का व्यापक समीकरण। जी हाँ दोस्तों, वृत्त का व्यापक समीकरण। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्तों, अभी मैं बता दूंगा जब स्क्रीनशॉट लेना होगा। दोस्तों वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये दोस्तों वृत्त का व्यापक समीकरण है। ठीक, वृत्त का व्यापक समीकरण है। और अगर वृत्त का व्यापक समीकरण दिया गया है अर्थात x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, अगर इस रूप में दिया गया है और दोस्तों कह दिया जाए कि केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए या वृत्त का केंद्र बताइए, तो केंद्र हो जाएगा दोस्तों माइनस जी कामा माइनस एफ, माइनस जी कामा माइनस एफ, ये हो जाएगा केंद्र। और दोस्तों त्रिज्या की अगर बात की जाए तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी दोस्तों अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। दो चीज, अगर वृत्त का व्यापक समीकरण दिया गया रहे, वृत्त का व्यापक समीकरण यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, अगर वृत्त का व्यापक समीकरण दिया रहे और कह दिया जाए कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए तो सूत्र ये है, अगर कह दिया जाए वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए तो सूत्र ये है। ये पूरा जितना मैंने लिखा है दोस्तों ये वृत्त का है। ये तीन सूत्र आपको याद होना चाहिए, जैसा कि अभी आपने 10 बजे वाली में देखा, इस पर आधारित दो क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे समीकरण दिया गया था दोस्तों और कह रहा था कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें हमने बता दी दोस्तों। आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए तो फिर मैं आगे मिटाता हूं। आगे देखिए दोस्तों, अगला देखिए, अगर जो है आपको वृत्त के व्यास का निर्देशांक दिया रहे, जी हाँ दोस्तों, अगर वृत्त के व्यास का निर्देशांक दिया रहे और वृत्त के व्यास का निर्देशांक आप सोच रहे होंगे कैसे, तो दोस्तों सुनिएगा, वृत्त के व्यास का निर्देशांक मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये एक वृत्त है और ये इसका एक व्यास है, ठीक, और चूंकि पता है कि व्यास जो होता है वो मध्य बिंदु यानी कि केंद्र से होकर जाता है, ये आपका यक्स, ये आपका ए और ये बी मान लीजिए दोस्तों, यक्स वाई मत मानिए, अगर इसका निर्देशांक यक्स वन वाई वन और यक्स टू वाई टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हैं और कह दिया जाए दोस्तों कि वृत्त का समीकरण क्या होगा, क्या बताया हमने कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक यक्स वन वाई वन यक्स टू वाई टू हो तब वृत्त का समीकरण। अगर दोस्तों वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हों तो जो वृत्त का समीकरण होता है दोस्तों यक्स माइनस यक्स वन यक्स माइनस यक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन और वाई माइनस वाई टू बराबर 0, ये है दोस्तों वृत्त का समीकरण। ठीक, अगर आपको वृत्त के व्यास का निर्देशांक दिया रहे और कह दिया जाए वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए तो उसका सूत्र यही होता है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिएगा। इसको मैंने देखिए आज जो अभी आप पहले सुबह देखे थे क्वेश्चन 10 बजे, उसको आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, इस पर आधारित भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको, वृत्त के व्यास का निर्देशांक दिया था और कह रहा था कि वृत्त का व्यापक समीकरण ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए जो सूत्र है आपका वो है x माइनस एक्स वन यक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो बताइएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसको आप लोग लिख लीजिए तब फिर मैं इसको मिटाता हूं दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए उसके बाद फिर इसको मिटाते हैं। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं अगला जो टॉपिक है आपका, मैं देख ले रहा हूं अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, अगला टॉपिक जो है आपका वो है परवलय। जी हाँ दोस्तों, अगला टॉपिक इसका जो है वो परवलय है और क्या कह रहा है देखिएगा, एक मिनट देख लेने दीजिए दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए। हाँ ठीक है, अगला टॉपिक जो है आपका वो परवलय है दोस्तों। तो वृत्त में यही इतना चीज था और इस पर आधारित देखिए हमने कहा है
कि पूरी मैथ मैथ अब आपको कठिन नहीं लगेगी। अगर आप बायो से भी पढ़े हैं तब भी एयरफोर्स की मैथ आप बड़े आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों परवले वाली में क्या है अब उसको देख लीजिए आप। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल चार चित्र याद रखिए, अर्थात एक दो तीन और चार। दोस्तों केवल यही चार चित्र याद रखिए। परवलय जो बनेगा दोस्तों ये है परवलय दोस्तों, आप देख रहे होंगे इसमें आपको सब चीज दिया गया है दोस्तों। ये यक्ष है, यक्ष डैश है, वाई है, वाई डैश है, यक्ष है, यक्ष डैश है, वाई है, वाई डैश है, यक्ष है, यक्ष डैश है, वाई है, वाई डैश है, यक्ष है, यक्ष डैश है, वाई है, वाई डैश है। दोस्तों इसमें दो चीज रहता है आपका, एक शीर्ष रहती है, एक नाभि रहती है और एक नियता रहती है। क्या क्या रहता है? शीर्ष, ये जो आपको दिया गया है इसको दोस्तों शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको शीर्ष कहते हैं, इसको दोस्तों नाभि कहते हैं और नाभि को यश से लिखते हैं दोस्तों, नाभि को यश से लिखते हैं। ठीक, ये शीर्ष है और ये नाभि है और इसी के जो यक्ष यक्ष डैश लिखा है इसी के समांतर एक रेखा खींच दीजिए दोस्तों, जो यक्ष यक्ष डैश लिखा है इसी के समांतर एक रेखा खींच दीजिए दोस्तों, तो यही आपकी कहलाती है नियता, यही आपकी कहलाती है नियता। तीन चीज होती है दोस्तों, ये है नाभि, ये है शीर्ष और ये है नियता। होता क्या है दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा कि जैसे जो इसका समीकरण होता है परवलय का जो समीकरण होता है, ये चीज तो आपको पता है कि ये यक्ष अक्ष है, ये वाई अक्ष है। परवलय की पहचान होती है कि यक्ष और वाई के रूप में लिखा रहेगा दोस्तों, यक्ष और वाई के रूप में लिखा रहेगा दोस्तों, एक में एक घात लगी रहेगी और एक में दो घात लगी रहेगी। मतलब कि चाहे आपको यक्ष और वाई के रूप में लिखा रहेगा, एक में एक घात लगेगी और एक में दो घात लगेगी। चाहे आप यक्ष में एक घात लगाएं, वाई में दो घात लगाएं, चाहे वाई में दो घात लगी हो, यक्ष में एक घात लगी हो, यही परवलय की पहचान है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों आपके प्रश्न में, आपके पेपर में दिया गया रहेगा, जैसे दे दिया जाएगा, आप यहां पे देख रहे हैं y लिखा हुआ ना दोस्तों, जिसकी एक घात लिखी रहती है, जिसकी एक घात लिखी रहती है, जो इसका मुख होता है, देख रहे हैं इसमें ऊपर खुला है, इसमें नीचे खुला है, इसमें लेफ्ट खुला है, इसमें राइट खुला है, तो जो इसका मुख खुलता है दोस्तों, जिस पर एक घात लगी रहती है उसी तरफ खुलता है। तो यहां पर देखिए वाई की तरफ खुला है, अर्थात इसका जो सूत्र होगा दोस्तों वो होगा यक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ये है इसका सूत्र दोस्तों, यक्स स्क्वायर बराबर 4ay इसका सूत्र है। अब यहां पे देख रहे हैं कि वाई अक्ष के ऋण दिशा पर खुला है, अर्थात इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों यक्स स्क्वायर बराबर -4ay। यहां पे देख रहे हैं दोस्तों यक्ष अक्ष के ऋण दिशा में खुला है, अर्थात वाई स्क्वायर बराबर 4ax। और यहां पर देख रहे होंगे दोस्तों यक्ष अक्ष की धन दिशा पे खुला है, अर्थात वाई स्क्वायर बराबर 4ax। यहां पे यहां लिख देते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर -4ax। तो ये चीज है देखिए दोस्तों, सारा मैंने लिख दिया 4ay, अर्थात वाई अक्ष की धन दिशा की तरफ मुंह खुलेगा, 4ay माइनस में है, यानी कि वाई अक्ष की ऋण दिशा की तरफ मुख खुलेगा। यहां पे देखिए दोस्तों यक्ष और माइनस, यानी कि यक्ष अक्ष के माइनस दिशा की ओर मुख खुलेगा, तो दोस्तों यक्ष अक्ष ये है और माइनस दिशा इधर है, इसके इधर ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। तो यहां पे देख रहे हैं तो यक्ष अक्ष की धन दिशा की ओर खुलेगा, अर्थात यक्ष अक्ष की धन दिशा की ओर खुलेगा। अब चलिए हम चर्चा करते हैं जो हमने ये लिखा है नाभि, नियता और शीर्ष जो है ये क्या है दोस्तों। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ये पता है कि ये आपका वाई अक्ष है, ठीक, ये हमने बता दिया कि यहां पे आपका यस है, तो
तो यस का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, सुनिएगा। चूंकि आप जानते हैं कि यक्ष जो है, यस जो है, यस हमारा वाई अक्ष पे है, और वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर कोई भी मान अगर आप लिखेंगे तो वहां पे वाई का मान जीरो होता है और यक्ष का मान जीरो होता है। अर्थात इसका जो निर्देशांक हो जाएगा दोस्तों, इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 0.a। किसी को कहीं भी डाउट हो तुरंत पूछिएगा दोस्तों। इसका जो निर्देशांक होता है दोस्तों 0.a होता है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी a होगी और उसी तरह यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a होगी दोस्तों। तो जो नियता का समीकरण हो जाएगा, जो नियता का समीकरण हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका, अब चूंकि देख रहे हैं किधर है ये आपका वाई अक्ष पर है, ये क्या है वाई अक्ष पर है, तो वाई बराबर माइनस ए, ये हो जाएगी आपकी नियता। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो आप देख रहे हैं वाई अक्ष की ऋण दिशा में है, अर्थात वाई अक्ष की ऋण दिशा में है, तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा 0.a। 0.a का मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो माइनस ए है। तो इसीलिए जब इसका नियता का समीकरण निकालेंगे दोस्तों, तो ये भी आपका माइनस ए हो जाएगा, अर्थात वाई बराबर, अब ऊपर रहेगा तो ऊपर प्लस में रहता, चूंकि आपको पता है कि ऊपर का मान प्लस में, नीचे का मान माइनस में, इधर का मान प्लस में, इधर का मान माइनस में, ठीक ये चीज है दोस्तों। तब चूंकि ऊपर है, काली वाली लाइन के ऊपर है, इसलिए ये प्लस में रहेगा, अर्थात वाई बराबर ए। इसके लिए जो नियता हो जाएगी वाई बराबर ए, ना भी जो हो जाएगी 0.a, ठीक, और शीर्ष जो हो जाएगा दोस्तों, शीर्ष आपका वही है 0.0। फिर आगे दोस्तों अगर हम इसकी चर्चा करें, तो आप देख रहे होंगे ये तो आपका शीर्ष है, ये तो आपका 0.0 रहेगा ही, यहां पे देख रहे हैं यक्ष अक्ष की ऋण दिशा, अर्थात -a.0, और इसका जो नियता का समीकरण होगा दोस्तों, ये आपका ए हो जाएगा, तो यक्ष बराबर ए हो जाएगा। वहीं अगर आप इसकी बात करें, तो इसका हो जाएगा a.0, और इसकी जो नियता हो जाएगी दोस्तों, यक्ष बराबर -a, ये चीज है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक चार्ट बना के पूरा एक बार में लिख देता हूं, ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चार्ट बना के पूरा एक बार में लिख देते हैं। अभी आपको समझ में आएगा दोस्तों, जब इस पर सवाल बताएंगे हम, जब सवाल बताएंगे दोस्तों, तो ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। केवल आप इतना याद रखिए कि जिधर मुख खुलता है उधर एक घात लगी रहती है। मतलब अगर यक्ष स्क्वायर बराबर 4ay लिखा है, तो इसका मतलब वाई अक्ष की धन दिशा की ओर मुख खुलेगा। अगर -4ay लिखा होता, तो वाई अक्ष की ऋण दिशा की तरफ मुख खुलता। तो हमने क्या क्या बताया दोस्तों, हमने चार चीज बताई। एक हमने बताया दोस्तों वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, यक्ष स्क्वायर बराबर 4ay, और यक्ष स्क्वायर बराबर -4ay। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए हमने ना भी क्या बताई, देखिए अगर आपको इस तरह का दिया रहे, जो क्वेश्चन आपको दिया रहे, अगर वो इस रूप में लिखा है दोस्तों, तो देख रहे हैं यक्ष अक्ष की धन दिशा की तरफ मुंह खुल रहा है, जिस पर एक घात लगी है उधर मुंह खुलता है, तो यक्ष अक्ष की धन दिशा की तरफ मुंह खुल रहा है दोस्तों, तो इसीलिए जो इसकी नाभि हो जाएगी वो हो जाएगी 1.0। यक्ष अक्ष, चूंकि आगे वाला यक्ष होता है, पीछे वाला वाई होता है, और धन अक्ष है, इसीलिए प्लस लिखा गया। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर हो जाएगा -a.0। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यक्ष अक्ष है, इसलिए तो ए यक्ष पर होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन माइनस क्यों किया हमने, माइनस इसलिए किया क्योंकि यहां पर आगे माइनस लिखा था। उसी तरह दोस्तों इसकी अगर बात की जाए, तो यहां पे वाई है, अर्थात यक्ष वाला 0 हो जाएगा, वाई वाला ए हो जाएगा, और चूंकि यहां पे प्लस लिखा हुआ है, और प्लस लिखा है, इसीलिए प्लस ए लिखा गया। अगर आप इसके लिए बात करेंगे दोस्तों, तो 0.0-a, और माइनस क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि यहां पे आगे माइनस लिखा था। तो ये ना भी है, अगर आपको इस तरह का दिया रहे, तो इसकी ना भी जो होगी इस तरह होगी। सब लोग कमेंट करिए और बताइए कि समझ में आया कि ऐसे कैसे हुआ कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से एक बार बताऊंगा दोस्तों। केवल आपको ये देखना है किस पर एक घात लगी है, जिस पर एक घात लगी रहेगी वहीं पर आपका मान रखा जाएगा। और आपको पता होगा कि जो जो
एक घात लगी रहेगी उधर ही हमारा, इसमें जैसे बिंदु जो दिया रहता है वो पहला वाला यक्ष का मान होता है, दूसरा वाला वाई का मान होता है। तो अगर यक्ष रहेगा दोस्तों तो यक्ष पर लिखा जाएगा, वाई रहेगा दोस्तों तो वाई पर लिखा जाएगा। नाभि हो गया दोस्तों ये, और नियता की बात की जाए दोस्तों, नियता की बात की जाए तो नियता हमेशा उल्टा रहेगा दोस्तों। अब चूंकि देख रहे हैं यहां पे यक्ष है ना दोस्तों, यहां पे यक्ष है तो यक्ष रहेगा, यहां पे यक्ष है तो यक्ष रहेगा, यहां पे वाई है तो वाई रहेगा, और यहां पे वाई है तो वाई रहेगा। मान क्या रहेगा दोस्तों, अब देखिए यहां पे प्लस यक्ष है, प्लस यक्ष है ना, अगर प्लस यक्ष है तो यहां माइनस होगा, यहां माइनस यक्ष है तो यहां प्लस होगा, यहां प्लस वाई है तो माइनस होगा, और यहां माइनस वाई है तो प्लस होगा। ये चीज है दोस्तों, मतलब कि अगर ना भी आपकी जीरो कामा माइनस ए है, ना भी आपकी जीरो कामा माइनस ए है तो नियता हो जाएगी वाई बराबर ए, ना भी आपकी जीरो कामा ए है तो नियता हो जाएगी वाई बराबर माइनस ए, ना भी आपकी माइनस ए कामा जीरो है तो नियता आपकी हो जाएगी यक्स बराबर ए, ना भी आपकी ए कामा जीरो है तो नियता आपकी हो जाएगी यक्स बराबर माइनस ए। किसी को भी कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों तो आप तुरंत कमेंट करिए, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं दोस्तों। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों कमेंट करिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, मिटा लें इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। परवलय का आखिरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कभी कभी इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। मैं एक चित्र बना दे रहा हूं, ये आपकी यस है जो कि आपका ए कामा जीरो है। तो दोस्तों जितनी दूरी इधर रहती है उतनी दूरी इधर भी रहती है, जो कि आपकी नियता बनती है, ये आपकी क्या है, ये आपकी नियता है, और चूंकि ए है ठीक, तो इसीलिए माइनस ए, यक्स बराबर माइनस ए नियता हो जाएगी इसकी, ये आपकी नाभि हो जाएगी, ये आपका शीर्ष हो जाएगा जीरो कामा जीरो, और यहाँ पर कोई बिंदु दोस्तों होता है ए, और इस पे से अगर इस पे आप लंब डाल दीजिए तो ये होता है पी दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों पी ए बराबर यस ए होता है, एक चीज याद रखिएगा दोस्तों पी ए बराबर यस ए होता है, पी ए बराबर यस ए होता है, यस ए और पी ए ये दोनों बराबर होते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा कभी 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 प्रश्न इस प्रकार दे देता है कि आपको आपको नाभि दिया रहेगा, नाभि दिया रहेगा और परवलय पर एक बिंदु दे देगा जो कि आपका यक्ष वन वाई बन रहेगा दोस्तों, परवलय पर एक बिंदु दे देगा जो कि आपका यक्ष वन वाई बन रहेगा, नाभि दे देगा जो कि आपका ए कामा जीरो रहेगा, और नियता आपकी यक्ष बराबर माइनस ए रहेगी, और कह दिएगा कि इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए या पी ए ज्ञात कीजिए या फिर ए यस ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो उसके लिए देखिए यस ए निकालना तो आसान है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे दोस्तों और यस ए निकल जाएगा, अर्थात अब पी ए के लिए देखिए किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की माप, किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की माप, एक सूत्र इसमें यह लगता है और एक सूत्र लगता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है दोस्तों अंडर रूट वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस यक्स टू माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर। ये है दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और एक सूत्र आपको और लिख लीजिए, बिंदु यक्स वन कामा वाई वन से रेखा ए यक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो पर डाले गए
लंब की माप डाले गए लंब की माप बराबर होती है दोस्तों ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूला लिख लीजिए दोस्तों, जब इस पर मैं सवाल बताऊंगा तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप केवल लिखते चलिए दोस्तों, मैं गारंटी करता हूं कि जब इस पर मैं सवाल बताऊंगा तो आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं। अगर आप एयरफोर्स की मैथ अभी तक नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्तों। पूरी मैथ, पूरी इंग्लिश और पूरा रागा, पूरा साइंस, ये चारों चीजें मैं आपकी कवर करा दूंगा और एयरफोर्स का रिटेन एग्जाम आपका मैं निकलवा दूंगा दोस्तों। एयरफोर्स का रिटेन एग्जाम आपको मैं निकलवा दूंगा। बस आप दो काम करिए, पहला मेरे साथ पढ़ते रहिए और दूसरी चीज वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए दोस्तों। जब आप ऐसा करेंगे तो मेरा भी मन करेगा कि हाँ मैं बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें दूं। ठीक, तो ये था आपका परवलय से संबंधित, परवलय से संबंधित जितनी चीजें थी दोस्तों मैंने सारी चीजें आपको बता दी। परवलय से संबंधित जितनी चीजें थी सारी चीजें हमने बता दी दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। एक चीज और जान लीजिएगा, जो नाभि लंब होता है परवलय का, एक चीज और लिख लीजिए इसी के नीचे, नाभि लंब, परवलय का जो नाभि लंब होता है दोस्तों वो होता है 4a। परवलय का जो नाभि लंब होता है दोस्तों वो होता है 4a, जहां पे a आपका क्या है, यही निर्देशांक है। ठीक, तो ये चीज है, इतना आप लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद अगला टॉपिक जो है देख लेता हूं मैं, और कुछ है? ठीक है, बस परवलय में यही था दोस्तों। अगला टॉपिक जो है आपका वो है दीर्घवृत्त, तो इसको आप लिख लीजिए दोस्तों। तो फिर आगे हम चर्चा करते हैं दीर्घवृत्त पर, आगे हम चर्चा करते हैं दीर्घवृत्त पर। कल के जो, आज सुबह जो आपका प्रश्न था दोस्तों, उसमें पूछा था अति परवलय दिया गया था दोस्तों, अति परवलय दिया गया था और नियता का समीकरण पूछा था दोस्तों, अति परवलय दिया गया था दोस्तों और नियता का समीकरण पूछा था दोस्तों। दीर्घवृत्त का मतलब यह हुआ दोस्तों, लेटा हुआ अंडा। दीर्घवृत्त का मतलब होता है दोस्तों लेटा हुआ अंडा या फिर खड़ा हुआ अंडा, ये दोनों आपके दीर्घवृत्त हैं दोस्तों। तो मैं किसी एक पर बता दे रहा हूं, किसी एक पर बता दे रहा हूं, दूसरा एकदम सेम टू सेम उसी तरह है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यही चीज है आपका दीर्घवृत्त, ये है यक्ष, यक्ष डैश, वाई, वाई डैश। देखिए दोस्तों, ये है आपकी बी और ये है आपकी, मतलब अब चूंकि आपको पता है कि ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पे यक्ष का मान जीरो रहेगा और ये आपका यक्ष अक्ष है, इसको आप बी मानिए, इसको ए मानिए, क्योंकि ये चौड़ाई है दोस्तों, तो चौड़ाई को बी मानिए और लंबाई को ए मानिए। और ये आपका यक्ष अक्ष है दोस्तों, तो यक्ष अक्ष पे यक्ष का मान जीरो रहेगा, ये चीज है। और दोस्तों देखिए, इसकी जो नाभि होती है दोस्तों, इसकी जो नाभि होती है, इधर का मान प्लस में रहता है दोस्तों, इधर का मान माइनस में रहता है, ऊपर का मान प्लस में रहता है दोस्तों, नीचे का मान माइनस में रहता है। अगर अभी यही ये बिंदु निकाला जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों जीरो कामा माइनस बी, अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस ए कामा जीरो। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कहां पे आपको दिक्कत हो रही है दोस्तों। एक चीज और देखिए दोस्तों, इसकी जो नाभि होती है, ठीक, इसकी जो नाभि होती है दोस्तों, ये आपका ए ई कामा जीरो होती है। क्या होती है दोस्तों? ए ई कामा जीरो। ई क्या है अभी मैं बता रहा हूं दोस्तों, अब चूंकि ये माइनस में है अर्थात माइनस ए ई कामा जीरो। और इसकी जो नियता का समीकरण होता है दोस्तों, इसके नियता का समीकरण जो होता है दोस्तों, इसके नियता का समीकरण भी दो होता है, इसके नियता का समीकरण भी दो होता है दोस्तों। एक तो होता है ये आपका यक्स बराबर माइनस ए अपान, इधर आपका प्लस में है और इधर आपका माइनस में है। ठीक, ये है आपका दोस्तों नियता का समीकरण, यक्स बराबर ए अपान ई,
यक्स बराबर माइनस ए अपान ई, ये आपका नियता का समीकरण है। क्या चीज है दोस्तों? ये आपकी नियता है, ये भी आपकी नियता है। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं कि दीर्घवृत्त में दो नियता होती है और दो नाभि होती है। मतलब नियता होती है यक्स बराबर प्लस माइनस ए अपान ई, मतलब प्लस में भी ए अपान ई, माइनस में भी ए अपान ई। उसी तरह नाभि जो होती है दोस्तों प्लस माइनस ए ई कामा जीरो, मतलब ए ई कामा जीरो प्लस में भी और माइनस ए ई कामा जीरो माइनस में भी। तो ये चीज है दोस्तों नाभि और नियता। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए आपको जो समीकरण दिया रहेगा वो कैसे दिया रहेगा, पहले आप ये समझिए दोस्तों। लिखा रहेगा यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर एक। इसी तरह दोस्तों ये है आपका दीर्घवृत्त का समीकरण। याद रखिएगा यहां पर प्लस होना चाहिए दोस्तों, यहां पर प्लस होना चाहिए तभी आपका दीर्घवृत्त रहेगा। और अगर प्लस की यहां पे अगर दोस्तों प्लस की जहां पे अगर माइनस कर दिया जाएगा दोस्तों, अर्थात इसको आप अभी लिख के मैं मिटा दूंगा दोस्तों, यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर एक। अगर बीच में माइनस कर दिया जाएगा तो ये आपका बन जाएगा अधिक परवलय। इसको मैं बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा दोस्तों, पहले आप परवलय दीर्घवृत्त जानिए। तो दीर्घवृत्त में दोस्तों यहां पे प्लस रहेगा। और अभी अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जब यक्स और वाई का दो घात रहे, यक्स का भी दो घात रहे वाई का भी दो घात रहे दोस्तों, तो वो आपका वृत्त होता है। तो दोस्तों उसमें लिखा रहेगा स्टार्टिंग में कि दीर्घवृत्त यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36, या यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, या यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। ठीक, तो उसमें आगे लिखा रहेगा दीर्घवृत्त, उसमें आगे लिखा रहेगा वृत्त, उसमें आगे लिखा रहेगा अति परवलय। जैसे कि सुबह वाला प्रश्न जो था वो था यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36, तो उसमें लिखा था अति परवलय यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 की नियता ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो उसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको इसी रूप में बनाना है जो भी समीकरण। अगर मान लीजिए लिख दिया गया जैसे सुबह वाले प्रश्न में था यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36, तो दोस्तों आपको इस रूप में बनाना है, अर्थात यक्स स्क्वायर बटे 36, 36 को इधर ला रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर बटे 36 बराबर 1। देखिए दोस्तों इसी रूप में बन गया कि नहीं, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 36 और बी स्क्वायर बराबर 36। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप इस रूप में बदलिए, इस रूप में बदलेंगे जब आप, तो वहां से आपको ए और बी का मान मिल जाएगा दोस्तों। जब आप इस रूप में बदलेंगे, जब इस पर सवाल बताऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। अभी केवल आप इसको लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, और मैं गारंटी करता हूं कि जब मैं बताऊंगा कि आज आपका एयरफोर्स का पूरा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आप मिला लीजिएगा और मैं जानता हूं कि आप सबसे बेहतर होंगे। तो दोस्तों देखिए, पहले आप इससे तुलना करवा लीजिए, तुलना करवाने के बाद अगर आपका a इज ग्रेटर देन b, दो कंडीशन बनती है, या तो a का मान बड़ा होगा b का मान छोटा होगा दोस्तों, और या तो b का मान बड़ा होगा a का मान छोटा होगा। तो दोस्तों अगर b का मान बड़ा होगा तो जो दीर्घवृत्त बनेगा आपका वो ये वाला दीर्घवृत्त बनेगा। ठीक, अगर b का मान बड़ा होगा दोस्तों तो ये बनेगा, और अगर a का मान बड़ा होगा तो ये बनेगा। दोनों उसी तरह है, मैं एक बनाया हूं, दूसरा आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। मैं जो बनाया हूं उसमें a का मान बड़ा है, ठीक, और एक कंडीशन होती है जब b का मान बड़ा हो। तो दोस्तों अगर a का मान बड़ा है तो जो आपकी नाभि है दोस्तों वो हो जाएगी प्लस माइनस ए ई कामा जीरो। कब? जब ए का मान बड़ा होगा तब, प्लस ए ई कामा जीरो माइनस ए ई कामा जीरो। लेकिन दोस्तों अगर वही चीज अगर आपकी बी का मान बड़ा हो दोस्तों, क्या बड़ा हो दोस्तों? अगर आपका बी का मान बड़ा हो तो यही चीज रहेगा, लेकिन ये पलट जाएगा दोस्तों, अर्थात तब नाभि क्या हो जाएगी? जीरो कामा प्लस माइनस ए ई, ये आपकी नाभि हो जाएगी दोस्तों। उसी तरह नियता की अगर बात करें दोस्तों, नियता क्या हो जाएगा? तो अगर आपका a का मान
है, तो जो नियता है देखिए x बराबर माइनस ए अपानी प्लस ए अपानी, अर्थात नियता जो हो जाएगी दोस्तों x बराबर प्लस माइनस ए अपान ई, ये आपकी हो जाएगी दोस्तों नियता। और वहीं अगर आपका b का मान बड़ा होगा दोस्तों, तो जहां a है वहीं b हो जाएगा, अर्थात x बराबर प्लस माइनस b अपान ई। किसी को कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों तो तुरंत आप लोग कमेंट करिएगा। वहीं अगर नाभिलंब की बात करें दोस्तों, तो देखिए नाभिलंब वाले में उल्टा होता है दोस्तों, अगर आपका यक्ष मतलब a का मान बड़ा है, अगर a का मान बड़ा है दोस्तों तो जो नाभिलंब की लंबाई होगी 2b स्क्वायर अपान a होगी। फिर से देखिएगा, अगर आपका a का मान बड़ा है तो 2b स्क्वायर अपान a, और अगर b का मान बड़ा है दोस्तों तो 2a स्क्वायर अपान b, ये हो जाएगा आपका नाभिलंब। डायरेक्ट ये सब सूत्र लिख रहा हूं दोस्तों, ये सब सूत्र लिख रहा हूं, जब इसका मैं अभी बता रहा हूं आज, ठीक, आप उधर पढ़ते रहिए और इधर मैं बीच बीच में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर पूरा विस्तार से मैं लेकर आऊंगा, मैराथन टाइप का, उसमें आपको पूरा क्लियर करवा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक। वहीं दोस्तों आगे चलें, ये आपकी नाभि है और ये आपकी नेता है, ये आपकी नाभिलंब है, और आगे दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्या, मैं देख लेता हूं, वो है आपका, ठीक है, ए और बी में संबंध दोस्तों, ए और बी में संबंध। तो अगर ए का मान बड़ा रहेगा दोस्तों, दो चीज है, अगर ए का मान बड़ा रहेगा तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और वन माइनस ई स्क्वायर, ये है जब आपका a का मान बड़ा रहेगा, और जब b का मान बड़ा रहेगा तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, ये चीज है दोस्तों a और b में संबंध। तो ये सारी चीजें हमने बता दी, नियता बता दी, नाभि बता दी, नाभिलंब बता दिया दोस्तों, और ये संबंध बता दिया, ठीक। तो ये चीज था आपका क्या, ये है आपका दीर्घ वृत्त दोस्तों, अगर दीर्घ वृत्त आ जाता है तो उसमें आपको ये इतनी चीजें जानना जरूरी रहेंगी दोस्तों, ये इतनी चीजें जानना जरूरी रहेंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक करिए, एक बार शेयर करिए दोस्तों, एक बार शेयर करिए दोस्तों, लाइक करिए और एक बार शेयर करिए, ठीक, ये आपका कर्तव्य है दोस्तों कि आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जहां ना समझ में आए बताएं भी, आपको बताया जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जान लीजिए आप कि पूरी चीजें आपकी कंप्लीट करवा दी जाएंगी दोस्तों, पूरी चीजें आपकी कंप्लीट करवा दी जाएंगी। आगे चलते हैं दोस्तों, और आज का जो आखिरी टॉपिक है दोस्तों, आज का जो आखिरी टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं, और आज का जो आखिरी टॉपिक है वो क्या है आपका, देख रहे होंगे दोस्तों, आज का जो आखिरी टॉपिक है वो है अति परवलय। जी हाँ दोस्तों, आज का जो आखिरी टॉपिक है दोस्तों वो है अति परवलय, और आइए अति परवलय पर चर्चा करते हैं, तब तक मैं देख लेता हूं कि क्या कुछ छूट तो नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अति परवलय वाले में आपको कुछ नहीं जानना करना है दोस्तों, सेम टू सेम इसी तरह है, अति परवलय में, अति परवलय, ठीक, और अति परवलय का मैं बना दे रहा हूं एक चित्र, यही चीज है दोस्तों अति परवलय। इसका जो सूत्र रहेगा दोस्तों, x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर एक, अगर इस रूप में लिखा है दोस्तों तो ये आपका अति परवलय हो जाएगा। कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा, अगर इस तरह लिखा है दोस्तों तो ये आपका अति परवलय हो जाएगा, और इसके लिए भी सारी चीजें वही है दोस्तों, सारी चीजें वही है। एक मिनट रुकिएगा, मैं देखता हूँ थोड़ा कुछ और इसमें अगर एक्स्ट्रा होगा तो। नाभि, नाभि, ठीक है दोस्तों वही चीज है, वही चीज है दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें भी वही फार्मूला है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। अगर दोस्तों अगर आपका ई का मान एक से बड़ा है, ई का मान एक से बड़ा है तब आपका ये है,
और अगर e का मान एक से छोटा रहेगा दोस्तों तो ये पलट जाएगा। पहली चीज तो ये जानिए आप, जहां पर आपकी जो नाभ है दोस्तों, नाभ इसमें भी वही है माइनस ए ई कामा जीरो। जी हाँ दोस्तों, नाभ जो है आपकी दोस्तों माइनस ए ई कामा जीरो है दोस्तों, ठीक। नाभ जो है दोस्तों माइनस ए ई कामा जीरो है। और दोस्तों वहीं अगर हम नियता की बात करें, नियता की बात करें दोस्तों तो प्लस माइनस ए अपान ई। जी हाँ दोस्तों, यक्स बराबर प्लस माइनस ए अपान ई। ये आपकी नाभ है और ये आपकी नियता है दोस्तों, ये आपकी नाभ है, ये आपकी नियता है। और देखता हूं नाभियों के बीच की दूरी जो है दोस्तों वो माइनस टू ए ई या टू ए ई है। जी हाँ दोस्तों, जो नाभियों के बीच की दूरी है दोस्तों वो टू ए ई है। और नाभिलंब जो है यहां पे लिख दे रहा हूं, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है दोस्तों, इसमें केवल डायरेक्ट पूछा जाता है, इसीलिए डायरेक्ट मैं पूरा फार्मूला लिख दे रहा हूं, टू बी स्क्वायर अपान ए। यही चीज है दोस्तों, यही चीज है, ये पूरा परवलय का, अति परवलय का, दीर्घ वृत्त का, ठीक, ये सारी चीजें हमने आज बता दी। यही इतना आपका था जो कि इंपॉर्टेंट था। इसमें से आप ये जान लीजिए कि अगर आप इसको पूरा तैयार कर लेते हैं दोस्तों तो आपका चार नंबर तो मिनिमम, कम से कम चार नंबर तो फिक्स आप जान लीजिएगा। और क्योंकि मैथ ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि एयरफोर्स में नंबर को बढ़ाता है दोस्तों, तो इसलिए आप हमारे साथ लगे रहिए। और निश्चित ही मैथ का एक एक चैप्टर, एक एक सवाल मैं आपके क्लियर करा दूंगा दोस्तों। तो केवल देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो ये था आज का हमारा जो एयरफोर्स स्पेशल में था वो मैंने पढ़ाया दोस्तों। जो भी टॉपिक रहेगा इसी तरह मैं एक एक चैप्टर पूरा लेकर के आऊंगा, और एक एक दिन में एक एक चैप्टर का जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए दोस्तों, कमेंट किया कीजिए। अगर आप साथ देंगे दोस्तों तो निश्चित ही केवल मात्र 10 दिन में आपको लगेगा कि हाँ सर ने सच में मेहनत की थी। केवल आप इतना करिए कि एक बार सबको हमारे पास पहुंचाइए, एक बार अगर वो हमारे पास आ जाएगा, हमारा वीडियो देख लेगा दोस्तों, तो मैं निश्चित ही गारंटी करता हूं कि वो लाइक जरूर करेगा दोस्तों, कमेंट जरूर करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।